Good morning, dear students. Now, next part is improper fraction into mixed fraction, means convert the improper fraction into mixed fraction. Now, next part, mixed fraction into improper fraction. Firstly, we will solve improper fraction into mixed fraction. Improper fraction ko mixed fraction mein kaise change karte hain? Aap sabko maine bataya hai improper fraction kya hota hai, jo proper way mein nahi write ho. मीन्स जो प्रॉपर वे में नहीं राइट हो, जिसका न्यूमिनेटर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर कम हो, वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इसको हमको किस में चेंज करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मीन्स होल नंबर में, होल के साथ नंबर्स में. अब मैं आपको दिखाती हूँ आप सबसे पहले कैसे करेंगे. फर्स्टली वी विल डिवाइड डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को, हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे. यहाँ पर क्या है, 7/18 है, हमने डिवाइड किया. 7 × 7, 7 × 14. अगर 7 × 21 ज़्यादा हो जाएगा, सो मीन्स 7 × 14. जब हमने इसको लेस किया तो 8 − 4 वी विल फाइंड 4. और इसमें आपका रिमाइंडर ज़रूर बचेगा. क्या रिमाइंडर ज़रूर बचेगा? ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये हो गया डिवाइजर, और ये क्या हो गया, कोशेंट. सो हमको जब इसको होल में अरेंज करना होता है तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पर आपका होता है कोशेंट, रिमाइंडर, यहाँ पे होता है आपका डिवाइजर. सो आपको पता है, अब हम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिमाइंडर कहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन कहाँ पे लिखना है. तो आप ये याद रखिए, जो आपका रिमाइंडर आता है, जो यहाँ नीचे आता है, वो आप रिमाइंडर यहाँ पे ऊपर न्यूमिनेटर प्लेस पे राइट कर देते हैं. राइट कर दिया आपने, आपको पता है आपका क्वेश्चन कितना आया है, 2, और आपका डिवाइजर कितना है, 7. अगर अब हमें चेक करना होता है इसको, सपोज सॉल्व आउट करना है, तो कैसे करेंगे, 7 × 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 14, और 14 में क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 18. और डिनोमिनेटर एज इट इज़ राइट कर देते हैं, मीन्स 18/7. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 7/5. इसको भी हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में. मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड क्या करेंगे, 5 से 7 को करेंगे. 5 × 5, और जब हमने 7 में से 5 लेस किया तो क्या आया, 2. 2 रिमाइंडर आ गया, 1 क्या आ गया आपका, कोशेंट आ गया, 5 क्या आ गया, डिवाइज़र हो गया. अब आपको पता है आपको कैसे पुटअप करना है, q = r/t. तो यहाँ पे जो आपका कोशेंट है वो आपका हो गया 1, रिमाइंडर हो गया 2, डिवाइज़र कितना हो गया, 5. 5 × 5, 5 × 5, 5 में 2 ऐड किया, 7. नाउ हम लोगों ने इसको चेकआउट भी कर लिया कि ये हमारा सही है या नहीं सही है. तो ये हो गया आपका प्रॉपर वे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का. और कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे ऐड कर देना है, ठीक है. अब हम आते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं. मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है. मिक्स फ्रैक्शन अभी मैंने बताया आपको इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए क्या करना है. देखा जाए, ये जो मैंने वे बताया है इसे आप चेक भी कर सकते हैं और इसको इम्प्रॉपर में देख भी सकते हैं कि ये इम्प्रॉपर आपका आ रहा है या नहीं. इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 × 4 = 28. 28 में क्या किया हमने, 1 ऐड कर दिया. क्या किया, 1 ऐड कर दिया, तो क्या आ गया, 29. और ये इसको तो एज इट इज़ राइट कर देंगे 29, और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ राइट कर देते हैं 29/7. और डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, जो नीचे होता है, जो नीचे होता है मीन्स 7. डिनोमिनेटर आप ऐसे भी रिमाइंड कर सकते हैं कि डाउन, डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डाउन. तो डाउन मीन्स होता है नीचे. अब आपको ये पता चल जाएगा ये आपका डिनोमिनेटर है. हम एक सम्स और सॉल्व करते हैं. सपोज अब इसको हमें इम्प्रॉपर में चेंज करना है, इसको क्या करना है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है. इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करेंगे, 7 × 7. अब 7 में क्या करेंगे, जो 5 है रिमाइंडर, इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. जब हमने ऐड किया 7 में 5 ऐड किया तो क्या आ गया, 12. 7 + 5 = 12. सो वी विल फाइंड 12/7. दिस इज न्यूमिनेटर, दिस इज डिनोमिनेटर.
I think this video is really helpful to you. Please like and subscribe to my channel. Thank you.